आज दादी अनाउंसमेंट कर रही है उस स्विंग की जो रीडेवलप हो रहा था और अब उसका काम पूरा हो चुका है और अब बहुत जल्द इसका इनॉग्रेशन भी होने वाला है, जिसे सुनकर सभी परिवार वाले बेहद खुश हैं। भाई आज तो अरमान का दिन ही बन गया, क्योंकि दादी सा ने आज कुछ ऐसा किया जिसे अरमान बिल्कुल भी भूल नहीं पाएगा। जिस आशीर्वाद और जिस चॉकलेट के लिए अरमान हमेशा तड़पता रहता है, आज वो चॉकलेट आखिरकार दादी ने अरमान को दे ही दी और साथ ही दिया अपना ढेर सारा प्यार भी। लेकिन भाई कहते हैं ना, कहानी में जब तक ट्विस्ट ना आए तब तक मजा कैसा। तो लीजिए, इसी के बाद दादी ने की हेड ऑफ द विंग की अनाउंसमेंट, जिसमें नाम अरमान का नहीं बल्कि उनके दामाद संजय भंसल का है, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए और सभी दंग रह गए। दादी से जब कुछ अच्छा करने वाली होती है या कुछ बुरा करने वाली होती है तो सबको इकट्ठा करती हैं और फिर हम सेलिब्रेट करते हैं, या तो डिपेंड करता है उनके मूड पे कि क्या करने वाले। यहाँ हमें ऐसा लग रहा था कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट एंड में आते आते पता चलता है कि जो सेलिब्रेशन था वो अरमान के लिए नहीं था, वो था फूफा सा के लिए। और फूफा सा को घर में ऐसे कोई पसंद नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई खास पसंद करता है उनको। तो थोड़ा सा मुँह बना हुआ है सबका, बट ठीक है, ऐसा डिसाइड हुआ है तो क्लैप कर लिया हमने, बोला ठीक है चलो। और अरमान भी एक इनिशिएटिव लेता है, वो बोलता है कोई बात नहीं, अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ और डिजर्विंग है, तो हमें लगता है चलो ठीक है। अरमान की जिंदगी में मुश्किलें क्या कम है, जरा देखिए जैसे ही अबीरा का बैलेंस बिगड़ा अरमान ने उसे थाम लिया। और ये सब देखकर रूही हो रही है बेहद ही जेलस। भाई अरमान अब किस किस को संभाले, अबीरा को संभाले, अपने परिवार को संभाले या फिर संभाले रूही की फीलिंग्स को। हमारा एंटरटेनमेंट कभी नहीं होता है आपके लिए बंद, क्योंकि हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।